और गाजियाबाद के हिडन एयरपोर्ट से कर्नाटक के हुबली के लिए भी उड़ान सेवा शुरू हो चुकी है। इसकी शुरुआत की जा चुकी है। बुधवार की शाम यहां से स्टार एयर के 50 सीटर प्लेन ने हुबली के लिए उड़ान भरी। फिलहाल यहां से हफ्ते में 3 दिन हुबली के लिए विमान उड़ान भरेगी। दिल्ली एनसीआर से कनेक्ट हुआ नॉर्थ कर्नाटक। गाजियाबाद से शुरू हुई हुबली की उड़ान। हुबली के लिए हफ्ते में 3 दिन होगी फ्लाइट। बुधवार को गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से स्टार एयर एविएशन के 50 सीटर प्लेन ने हुबली के लिए अपनी पहली उड़ान भरी। इसके साथ ही हिंडन एयरपोर्ट देश के 2 शहरों से जुड़ गया। हिंडन एयरपोर्ट इसके पहले हवाई सेवा के जरिए पिथौरागढ़ से जुड़ चुका है। हुबली की उड़ान सेवा शुरू होने से उत्तरी कर्नाटक दिल्ली एनसीआर से सीधे जुड़ गया है। इसके पहले यहां से जाने वाले मुसाफिरों को कनेक्टिंग फ्लाइट्स की सेवा लेनी पड़ती थी, जिसमें काफी समय लगता था। डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिलता था कभी भी जाने के लिए हुबली, तो इस बार मुझे बहुत इजी हुआ। मैं अपने घर से आज ही आ सका और 1 घंटे पहले घर से आकर मैं जा रहा हूँ हुबली, तो मुझे बहुत खुशी है। पहले हमें कनेक्टिंग फ्लाइट्स लेनी पड़ती थी दिल्ली से, उसमें टाइम लगता था 8-9 घंटे, या फिर ट्रेन से जाते थे तो वो 37 आवर्स, तो अब हमें 2 और 3 आवर्स में पहुंच जाएंगे, तो अच्छा लग रहा है। स्टार एयर एविएशन के विमान फिलहाल यहां से हुबली के लिए हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही उड़ान भरेंगे, लेकिन जल्दी ही इसकी डेली फ्लाइट शुरू हो जाने की उम्मीद है। स्टार एयर के सीईओ के मुताबिक कंपनी जल्दी ही हिंडन एयरपोर्ट से जामनगर और गुलबर्गा के लिए भी उड़ान सेवा शुरू करेगी। इनिशियली अभी 3 दिन के लिए हमने फ्लाइट चालू की है। When we get some operational energy, हम लोग उसको 7 days a week करने के प्लान में है। हमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जो रूट दिए हैं उनमें हमारे पास हुबली है, गुलबर्गा है और जामनगर है, जो ये 3 सिटीज़ की कनेक्टिविटी हमें हिंडन से देनी है और हम लोग सबसे पहले उसी पे टारगेट करेंगे। जाहिर है कि जल्द ही हिंडन एयरपोर्ट अब दिल्ली एनसीआर के मुसाफिरों के लिए बड़ी राहत लेकर आने वाला है। दिल्ली एनसीआर का अहम हिस्सा गाजियाबाद अब सीधा नॉर्थ कर्नाटका से भी कनेक्ट हो गया है। इसको लेकर लोग बेहद उत्साहित हैं और आने वाले समय में गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से अलग अलग जगह के लिए भी उड़ान सेवाएं शुरू की जाएंगी, ऐसा बताया जा रहा है। विडल स्प्रीत के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ नेशन, हिंडन एयरपोर्ट।